नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्ति हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ दोनों कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो हम ये रोज के काम करते हैं, इसमें हमारा सिर्फ 50% लंग ही काम कर रहा है और हमारे बाकी के 50% लंग यूज ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोए हुए लंग्स को जगाएं और उन्हें एक्टिव करें। अब ये कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। दिन में सिर्फ 2 बार 5 से 7 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। इससे हमारे लंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम फास्ट चलते हैं या चढ़ाई चढ़ते हैं, इसमें हमारी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ जाती है और हमें श्वास लेने में भी मेहनत लगती है। इससे हमारे लंग्स में प्रेशर बिल्ड होता है और हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे ब्रीदिंग के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। अब एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है? सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे थोड़ा फास्ट वॉकिंग, स्पॉट मार्चिंग, स्पॉट जॉगिंग, या घर का भी काम कर सकते हैं जैसे बैठ कर पोछा लगाना। एक्सरसाइजेस वैसी करनी है जिसमें आपकी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़े, इसी से आपको पूरा फायदा होगा। तो ये दो चीज़ें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज, इनसे हमारे लंग्स क्लियर रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं। जो कोविड से बच रहे हैं और जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, ये सभी इससे अपने लंग्स की हेल्थ बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए। जय हिंद।